अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जद्दा वालों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये वाली स्लाइड तो देखी होगी, तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये स्लाइड कहाँ पर है और इस जगह पे आप लोग कितनी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप लोग उनके प्रिंटेड सूट मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आकर आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। लोकेशन भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ें देखें, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की यहाँ पर चीज़ें, इस तरह की जो है ना, ये इसको क्या कहेंगे आप, सिंधी कहेंगे या बलोची कहेंगे, जो भी है, इस तरह का सारा सामान जो है ना आपको इस वाले जो जगह से मिल जाएगा। अच्छा, इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं इसको मीना बाजार या फिर मेले का नाम ही दूंगी, क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही लगा, क्योंकि इन्होंने खुले में जो है ना सारी ये स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे, खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे, कपड़ों के थे, खिलौनों के थे, मतलब कि हर हर चीज़ का जो है ना यहाँ पे आपको स्टॉल मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माथा पट्टी आपको मिलेगी, इस तरह की जो ये कपड़े वहराएंगे, इस तरह की बहुत ज़्यादा वराइटी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेहंदी मिलेगी आपको, ये जो है बच्चों के कपड़े वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जी यहाँ पर ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे जिसपे आप लोग नाम भी लिखवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ही टाइप की जो है ना ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप की जो है ना यहाँ पर आपको ज्वेलरी मिलेगी। इसमें जो है ना प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 10 रियाल 15 रियाल 20 रियाल, मतलब कि जितनी अच्छी चीज़ आप लोग लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ना सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, मुझे तो ये स्टॉल्स इतने मज़े के लगे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत जैसे रफ़ चीज़ें होती हैं या फिर एवं सा मेला लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा और बड़े पैमाने पे इन्होंने ये लगाया हुआ है। काफ़ी सारे टाइप के जो है ना आपको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, इनसे जो है ना आप लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह भी लगवा सकते हो, फ्रेम वगैरह बनवा सकते हो। इसके अलावा जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको इस तरह की लॉन्ग मैक्सीज वगैरह मिल जाएंगी, नाइट सूट्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ज्वेलरी की जो है ना स्टॉल्स काफ़ी सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ज्वेलरी है ना ये हैंडमेड थी, यहाँ पे ये जब मैंने इनसे पूछा तो वो मुझे बता रही थी कि ये सारी हम लोगों ने हैंडमेड बनाई हुई है। आपको हर तरह के यहाँ से मसाले वगैरह मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, मेहंदी मिल जाएगी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जगह पे लगी हुई हैं। तो आप में से हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है ना इस जगह पर गए भी हों, अगर आप लोग को पता है इस जगह का नाम क्या तो आप लोग मुझे लाजमी बताएगा। बाकी जो अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये अज़ीज़ मॉल जो है ना उसके बिल्कुल पास है। तो अभी मैं आप लोग को पूरा मेला दिखाऊँगी, मैं तो इसको मेले का नाम दूँगी क्योंकि मुझे ये बिल्कुल मेले की तरह लग रहा था। हर चीज़ के यहाँ पे आपको स्टॉल मिल जाएंगे, इतर मिल जाएगी आपको, ऊद मिल जाएगा यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, अबाए मिलेंगे आपको यहाँ पे, आप लोग देखते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सऊदी निकाब वगैरह, सऊदी ये जो है नमाज चादर वगैरह सब कुछ जो है ना आपको इस एक जगह से मिलेगा। ये वाली जो है यहाँ पर देख लीजिए, खाने पीने की भी चीज़ें, मसाले भी हैं यहाँ पर, आपको जो है गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई मिल जाएंगी, मतलब सूखी हुई अगर चीज़ें भी आप लोग लेना चाहते हो ना तो आपको इस एक ही जगह से मिलेंगी। इसके अलावा इस साइड पर आप लोग कपड़े वगैरह देख लीजिए, नाइट सूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, बच्चों के भी कपड़े आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो भी ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अच्छा, मैंने खुद यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया था और आगे जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगी सबसे मज़े की चीज़ कि यहाँ पे बड़ी स्लाइड के अलावा भी और बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे झूले हैं जो कि आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अपने बच्चों को दिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। नाम की जो है ना ये आपको लॉकेट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, इस तरह की जो ज्वेलरी है ना ये भी सारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए, बैग्स वगैरह, पर्स वगैरह, यहाँ पे क्लच वगैरह आपको मिल जाएंगे, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ज्वेलरी की जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, ज्वेलरी की तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पर। अच्छा, ये जो ज्वेलरी है ना इसकी प्राइस 20 रियाल 25 रियाल 30 रियाल में ना आपको ये चीज़ें मिल जाती है, बट ये कि इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इस चीज़ की तो मैं खुद गारंटी देती हूँ। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कुबा मार्केट की, वहाँ से जो मैंने अपना एक 11 रियाल का लिया था, अभी तक मैंने पहना हुआ है, यूज़ कर रही हूँ, उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे आप लोग इस तरह की डेकोरेशन पीसेस वगैरह ले सकते हो, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आप लोग जो है ना अगर नहीं आए तो यहाँ पर लाजमी आएगा, एंट्री की कोई टिकट नहीं है, आप लोग जो है फ्री में अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जितने भी है ना ये सारे लॉन के ड्रेसेस लगे हुए थे, अनस्टिच है ये, बहुत प्यारे प्यारे इनके प्रिंट थे, तो मैंने उनसे पूछा था तो वो मुझे यही बता रहे थे कि 50 रियाल में जो है ना आपका 2 पीस बन जाता है। तो अगर आप लोग को सिलाई वगैरह आती है तो आप लोग जो है ना यहाँ से इसी जगह से आप लोग ड्रेस वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, लॉन का था, 50 रियाल में जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगी। बैग्स वगैरह के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है,
ये सारे आपको बैग्स मिल जाएंगे 30 रियाल के, 40 रियाल के, 45 रियाल के, मतलब कि प्राइस नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। इस साइड पे लॉन्ग मैक्सीज वगैरह भी हैं, अबाई वगैरह भी हैं, लेडीज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद जाए नमाज़, लेडीज़ की जो नमाज़ चादर वगैरह होती है, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान वगैरह होते हैं वो सब भी आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दिखा दूँ। बाकी जब आप लोग खुद यहाँ पर आएँगे, विजिट करेंगे, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए हो तो आप लोग खुद उसकी प्राइस भी पूछ लीजिएगा, बस आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। बच्चों के जो खिलौने हैं ना, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। तो अब जो है अब लोग हम लोग चलेंगे झूलों वाली साइड पे, वहाँ जाके भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक साइड पे सारा इन्होंने जो है ना इस तरह स्टॉल्स लगाए हुए हैं, खाने पीने की जगह है, और बाकी दूसरी साइड पे जो है ना इनकी सारी राइड्स वगैरह लगी हुई हैं, झूले वगैरह जो भी आप लोग लेना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी जो है ना अलग से झूले हैं, मतलब ये नहीं है कि बस आप बड़े ले सकते हैं या फिर बच्चे ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, सबके लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये जो बड़ी वाली राइड है ना, इस पर तो बच्चे भी बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना स्टेज पर शो वगैरह भी हो रहा था, तो आप लोग सिर्फ, अच्छा एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, अगर आप लोगों ने झूले वगैरह नहीं लेने को नहीं करना तो फिर भी आप लोग यहाँ पर आके बहुत इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ना मज़े का सीन था। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, जैसे बड़े बड़े मेले लगे हुए होते हैं, ओपन में खुला सा, हर तरफ स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, झूले वगैरह बच्चों के लगे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सेम मुझे वही वाला माहौल लग रहा था। मतलब सारे मज़े से आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। स्टेज पे जो है इनका शो भी लगा हुआ था सऊदियों का, गाने वगैरह भी लगे हुए थे, मतलब काफ़ी अच्छा जो है ना चिल माहौल है। तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो आप लोग भी यहाँ पर लाजमी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना जगह जगह जैसे चावलों पे नाम नहीं लिखवाते, वो वाला भी था, यहाँ पे आप लोग ये लिखवा सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह बनवानी हो तो वो बना सकते हैं, या बच्चों के लिए अलग से मतलब इन्होंने जगह बनाई हुई खेलने की। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताती जाऊँ, यहाँ पे जितनी भी राइड्स हैं ना सबकी टिकट्स हैं, तो आप लोग को जो भी लेनी हो तो उसकी आप लोग को टिकट बाय करनी पड़ेगी। बाकी ये वाला देख लें, इस तरह के झूले भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और भी काफ़ी तरह के हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह बच्चों की स्विंग्स वगैरह भी हैं, ये वाले भी आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब काफ़ी सारी बहुत अच्छी जगह है जो आप लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली राइड देख लीजिए, इसका नाम स्पेस राइड है। मैंने जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने ये स्लाइड का देखा, बहुत इतनी, जब देखो टिकटॉक खोलो यहाँ पे कहीं पे भी देखो तो स्लाइड नज़र आ रही थी, जिस स्लाइड चल रही है, इतनी लंबी स्लाइड है ये वो। तो हम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस हम लोग यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर सिर्फ एक स्लाइड होगी, तो स्लाइड लेनी और बस बात ख़त्म। बट यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ तो बात ही अलग थी, मतलब कि बहुत मज़े का सीन था। तो आप लोगों में से जो लोग भी जद्दा रहते हैं और मुझे जद्दा से देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आए तो आप लोग लाजमी लाजमी विज़िट कीजिएगा। और जो मेरी सब्सक्राइबर जो है मुझे इंडिया से देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान से देख रहे हैं या फिर कहीं और से देख रहे हैं, तो आप लोग जो है ना, मैंने ये पूरी फुल वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, तो आप लोग बैठ के ना यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। जी, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप इस तरह की ये वाली राइड भी ले सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ऐसी राइड पे तो बिल्कुल मत बैठिएगा। इसके अलावा जी, यहाँ पर ये वाली भी है, इसका नाम वगैरह तो मुझे नहीं आता, बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह बच्चों के लिए जो है ना पूल वगैरह भी बना हुआ है, तो आप लोग बच्चों को यहाँ पे भी, इसकी भी टिकट थी, तो आप लोग यहाँ पे आई थिंक घंटे के हिसाब से यहाँ बच्चों को आप लोग स्विमिंग वगैरह करवा सकते हैं। कॉस्ट्यूम वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, आप लोग स्विमिंग सूट्स वगैरह जो होते हैं वो भी सारे ले सकते हैं। बाकी ये जो है ना कुछ ये इस तरह का यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अजीज़ मॉल के पास जैसे ही आएँगे ना, तो आपको जो है ना सामने ही बाहर से लाइटिंग वगैरह से ये वाली जगह जो है ना वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आपकी जो भी फैमिली जद्दा में रहती है, आप लोगों ने उनसे ये वाली जो वीडियो है वो लाजमी शेयर करनी है। अगर आप में से कोई ऑलरेडी यहाँ पर होकर जा चुका है तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग को मज़ा आया या नहीं आया, और इसका नाम क्या है, क्योंकि मैंने तो इसका नाम जो है ना मीना बाज़ार या फिर मेला रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं नज़र आया जो कि मैं इसको जो है ना दे सकूँ।
बाकी यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह भी थे, आप लोग ये भी बाय कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।